स्नोबॉल, मेरी लाइफ की फर्स्ट स्नोबॉल। हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ट्रैवल ब्लॉग कर रहे हैं, वो भी बहुत टाइम बाद। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं इस सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल देखने। आई डोंट नो स्नोफॉल दिखेगी हमें या सिर्फ हम बर्फ में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे पड़ रखी है बर्फ। हमारे पास में धनौल्टी पड़ता है बर्फ का स्टेशन, तो अभी हम लोग उधर देखने जा रहे हैं। तो गाइस, आपके साथ मैं आज का दिन पूरा शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स बिगिन। तो गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं गंगा घाट की तरफ, और ये है हमारे शिव जी दर्शन कर लो सुबह 7 बजे के टाइम। और अभी हम लोग बस निकल रहे हैं, यहाँ से जाएंगे हम लोग ऋषिकेश, फिर वहाँ से आगे धनौल्टी का रूट है हमारा। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं चंपा रोड पे, और बहुत ज़्यादा मस्त मौसम हो रखा है। आप सीनरी चेक करो यार, इतना मस्त मौसम। और यहाँ पे अभी धूप तो आ रही है, बट गाइस ये चेक करो, इधर नीचे बहुत ही प्यारा वाटरफॉल आ रखा है। और हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए रुके हैं, और सीनरी चेक करो गाइस, इतना सुंदर उत्तराखंड है हमारा, इतना प्यारा। कितनी खुश हूँ यार, मतलब हम उत्तराखंड में रहते हैं, हम लोगों को 1.5-2 घंटा हो गया चले हुए, और वर्थ इट है यार। देखो कितना प्यारा सुंदर, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। और अभी तो हम इससे भी ज़्यादा सुंदर सीनरी देखने वाले हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी हमारा 1.5 घंटे का रास्ता और रह रहा है, ऊपर स्नो जहाँ पे पड़ रखी है उस जगह जाने का। तो अभी गाइस चलते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं यार, यहाँ पे खड़े होते हैं। सीनरी हमें बहुत अच्छी लग रही है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं। वो कितनी प्यारी सीनरी आ रही है यार, बादल भी बहुत ज़्यादा प्यारे हो रहे हैं, और ओवरऑल जो है यहाँ पे धूप पड़ रही है ना, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे सारे पहाड़, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये मेरा भाई बैठा है बेचारा, हट जा, माहौल खराब होगा। मेरे भाई का माहौल खराब हो रहा है। गाइस पिक्चर दिखाऊं, ये देखो व्यू, बर्फ देखो कितनी प्यारी मेरे आगे ही पड़ी है। और एक और बहुत ही अच्छा व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को मैं, मतलब हम लोग देख के ना भाई साहब इतना अच्छा लग रहा है। मैं 3rd time आ रही हूँ धनौल्टी में, 3-4 बार हो गए हम सीजन से आ रहे हैं। ये देखो गाइस व्यू कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर यार, अमेजिंग व्यू, बहुत मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पापा और वहीं पे खड़े हैं, बट मैं इधर वीडियो बनाने के लिए आई हूँ थोड़ा सा। और इधर से देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, सॉरी मिट्टी, सॉरी बर्फ। हम लोग पीछे सोच रहे थे एक जगह पे रोकने की, बट उधर जो है थोड़ा सा गाड़ी खड़ी करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इधर देखो गाइस, बर्फ़ बर्फ़, इतने प्यारे प्यारे बादल। और अभी लोग आ रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी आए क्योंकि हमें पता था बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होने वाली है। ये स्नो परसों की है, और मैं सोच रही थी कि आज भी शायद पड़ी होगी। और उधर देखो गाइस, ये हिमालय रेंज दिख रही है, जो हिमालय की सबसे छोटी रेंज होती है वो दिख रही है, और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। हम सोच रहे थे बर्फ बहुत कम है, बट गाइस अभी आगे चलते चलते हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रही है बर्फ। यहाँ पे देखो काफ़ी मोटी मोटी परत है, तो यार आप अंदाज़ा लगा लो आगे कितनी ज़्यादा अच्छी बर्फ आने वाली है यार। रुके रहना यार, एंड तक देखना वीडियो को, बहुत मस्त होने वाला है। वो मेरे घर वाले वहाँ पर घूम रहे हैं, और मैं लगी पता नहीं कहाँ दुनिया में नज़ारे लिए इतने घूम रही हूँ। हेलो गाइस, ये माजी इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, इधर से एंगल अच्छा है। हाँ हेलो। तो माजी, आपने पहली बार बर्फ देखी, कैसा लग रहा आपको? A few moments later. तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा बर्फ है, और आप लोग सोच रहे होंगे मैं पैदल क्यों चल रही हूँ, हम लोग देखने जा रहे हैं आगे क्या हो रहा है। मत जावे, मैं चप्पल पहन के, चप्पल पहन के, चप्पल ना पहन रही है। और यहाँ पे पीछे ट्रैफिक रुक चुका है सारा का सारा, हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, आगे बुलडोजर चल रहा है, जेसीबी चल रहा है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, मिट्टी पत्थर डाल रहे हैं, ताकि जो है गाड़ी यहाँ स्लिप ना करे, क्योंकि आप देख सकते हो जगह
बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है। और देख लो यार मैं चप्पल में ही निकल आई, मैंने सोचा क्या कुछ पहनूँ, मैं ही निकल आई। देखो कितना प्यारा लग रहा है यार गिरते हुए। वो उधर चल रहा है ना बुलडोज़र, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ है तो वो लोग अभी उधर फैला रहे हैं मिट्टी और पत्थर, दैट्स व्हाई ट्रैफिक रोक रखा है पीछे भी। भैया ने देखो कितना प्यारा स्नोमैन बना रखा है भैया का जैकेट। तो अभी काम होने वाला है यार, हम साइड में खड़े हो जाते हैं, गाड़ी आने स्टार्ट हो गई। तो आर्यन सर आपको कैसा लग रहा है बर्फ में आने के बाद? लहर आ रही है मेरे भाई को। देखो यार चप्पल देखो कैसे जा रहा है, मैं तो अब जाती जूते पहनूंगी सबसे पहले। अब आ रही हमारी गाड़ी आगे को थोड़ा। हाँ भैया का स्नोमैन बढ़िया लग रहा है। गाड़ी जो है यहाँ पे हुआ ना हमारे साथ भी अभी थोड़ी देर पहले यही हो रहा था। हमारी गाड़ी वो खड़ी वहाँ पे और थोड़ी देर पहले इसी सेम जगह पर रबर ट्रक खड़ी हमारी गाड़ी भी। अब जेसीबी वाले आए ये लगाएंगे फिर यहाँ पे मिट्टी मिट्टी, और भैया की गाड़ी रबड़ चुकी है बहुत अच्छे से। वो लास्ट टाइम जब हम आए थे लास्ट ईयर भी इसी जगह पर बर्फ़ थी, इसी जगह पर गाड़ी सबकी ख़राब हुई थी और एक की तो फूक गई थी हमारे आगे सामने गाड़ी। और अभी हम लोग अपनी गाड़ी को थोड़ा ऊपर खड़ा करके आएँगे और फिर यहाँ से हम लोग पैदल पैदल जाएंगे। यहाँ पे आगे बिल्कुल डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, आगे जाके थोड़े अच्छे ज़्यादा पहाड़ हैं वहाँ पे हम पैदल पैदल जाएंगे। गाइस ये आप फ्रेम देख रहे हो, ये इस बॉडी का फ्रेम है, मैं यहाँ लुट गई। ओ भाई साहब बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा कम भीड़ है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मस्त हो रखा है। बर्फ़ है यहाँ पर नहीं, जो नई बर्फ़ पड़ रखी है भूरभूरी वो बर्फ़ है यहाँ पे, और ऊपर पेड़ों से भी अभी बर्फ़ गिर रही है और बहुत ज़्यादा मस्त मौसम हो गया यार। गाइस देखो कितना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा यार, मस्त लग रहा है बहुत ज़्यादा। हालांकि अभी स्नो पड़ नहीं रही बट ऊपर से अभी गिर रहा है और जो पेड़ों पर रखा है ना स्नो, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। मतलब देखो मैं दिखाती हूँ आपको, छूके दो टाइप की स्नो होती हैं, एक तो पुरानी और एक होती है नहीं। अब मैंने इसके ऊपर हाथ डाला, ये देखो ये ऐसे भुरभुरी है ना, अगर इसको मैं ऐसे मारूंगी तो ये अलग अलग होगी, तो इसका मतलब ये नहीं स्नो है, ये स्नो होती है जिससे हम खेल सकते हैं। और जो ठोस स्नो हो जाती है वो लगती है, ये जो नई स्नो है ये खेलने के लिए बिल्कुल मस्त है यार। इनके ऊपर गिर भी ना जाऊँ यार वे, अभी यहाँ से ऐसे उठाया, ये देखो क्या मस्त। अभी भाग के चलते हैं भाई के पास। उई 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 ये तोड़ गया तो डाल दे चप गया, इसके पीछे चप गया भाई, ये नहीं ओ ये नहीं उठ भी नहीं रही, जमी पड़ी है नीचे। ये वाली देख भाई, बनना जा दीदी, अरे रुक जा रुक जा, गाड़ी आ रही, गाड़ी वाला भी बेचारे मेरे भाई की लोई बेकार होगी। अब किसकी बारी है भाई? मजा आ रहा है यार, मैं तो मजा मैं नहीं कह रहा, मगर लहर आ रही लहर। तुझे पता लगा तेरी लोई की ना भाई साहब सफेद हो गई तेरी लोई। अब गाइस ये देखो ये बेकार है, देखो भुरभुरी है बिल्कुल मिट्टी के जैसी, ओ, मिट्टी कह रहा हूँ चीनी के जैसी है, इस लोई में ऐसी ऐसी है। ऊपर फेंक देंगे ये वाली ट्राई करते हैं। हाँ ये वाली देखो ये है अभी की भुरभुरी, बहुत मजा आ रहा है। ठंडे हो गए, मैंने ग्लव्स नहीं डाले, मैं ग्लव्स डालने भूल गई यार, बहुत ठंडे हो गए हाथ। सीनरी चेक करो गाइस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर। और मेरा भाई झूठी झूठी स्नोफॉल कर रहा है, और जब से भी मैं यही कर रही हूँ। ओके गाइस तो मैं अभी फोटो शूट कराया, ये देखो मेरे बाल, मैंने बर्फ इतनी डाली ना अपने बालों में और मेरे कपड़े भीग चुके हैं बिल्कुल पूरे के पूरे। और गाइस बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, भाई ने तो मस्त लोई वोई पहन रखी। माँ जी इधर आओ, देखो गाइस हमारा फैमिली फ्रेम, अभी पिताजी जा रखे हैं कार लेने के लिए, अब उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ। अभी हम लोग इसकी इसकी फोटो नहीं खत्म हो रही, इसकी फोटो नहीं खत्म हो रही, मैं कह रहा पहली बार खिंचवा रहा मैं। हेलो गाइस चलो गाइस इसकी फोटो खींचते हैं आप जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे कुछ खाएंगे पिएंगे। गाइस देखो कितने प्यारे प्यारे गमले हैं,
पर ये पेड़ कहाँ है भाई, इसी में तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। बहुत प्यारी प्यारी बर्फ डल रखी है और बहुत अच्छी धूप निकल रखी है। मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ एंड आई नो यू गाइस गोना लव दिस व्यू वेरी वेरी मच। मतलब देखने वाली जगह है, आप आ सकते हो धनौल्टी। देखो कितनी प्यारी जगह है, बिल्कुल फ्रेश बर्फ है सारे कहीं पे, इतना प्यारा व्यू, बहुत अच्छे बादल। हम लोग जब मैंने स्टार्ट करी थी व्लॉगिंग, हम लोग उस पीक पे थे जहाँ मैंने दिखाया था, मतलब गाड़ी वाड़ी खड़ी करी थी। और अभी देखो कितना प्यारा है, देखो यहाँ पे सारे पे बर्फ है और काफ़ी अच्छा कॉटेज है जिधर हम लोग अभी टी ब्रेक के लिए रुके हैं। मुझे बहुत प्यारा व्यू लग रहा है। और ओके गाइस, 50 रुपये का पर पर्सन टिकट लेने के बाद हम लोग एक बहुत प्यारे पार्क में आ चुके हैं, जो कि बड़ा मस्त लग रहा है, सही लग रहा है। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पास ये इतना बड़ा बैग क्या कर रहा है, रुको जरा सबर करो, बताती हूँ। इसके अंदर एक बहुत मस्त चीज़ है, ठीक है। और अभी हम बहुत ज़्यादा टॉप पे आ चुके हैं और हवा टाइट हो चुकी है, बहुत थक गया हूँ यार, क्या करूँ, मेरे घर वाले आ गए। हैप्पी बर्थडे पिताजी, हाँ पिताजी तो बैठने की जगह बना रहे थे, मेरा मोई मोई हो गया। ओके गाइस, तो मैंने वेयर करी है साड़ी, देखो कितनी प्यारी लग रही है यार, मैंने आंटी ले रखी है साड़ी, थैंक यू आंटी सो मच फॉर दिस लवली साड़ी, यार बहुत प्यारी लुक आ रही है इसकी। और ये नकली नकली स्नो मेरे घर वाले मेरे ऊपर डाल रहे हैं, अभी देखना कितनी सारी स्नो आएगी। और भाई साहब हमें इतनी फोटो खींची ना स्नो में, बहुत मस्त लग रही थी। ओ भाई साहब ये देखो सारे में स्नो स्नो, बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा मस्त है गाइस, आप भी धनौल्टी आ सकते हो यार। 50 रुपये का हमारा टिकट लगा है, बहुत कम पैसे उन्होंने वसूल लिया, एक दिन की ट्रिप। इको पार्क है ना, इको पार्क बहुत मस्त जगह है। तो अभी हम लोग शूट कर रहे हैं भाई साहब, चलो शूट करते हैं गाइस, इधर करता हूँ वीडियो वगैरह शूट। और ये देखो कितनी प्यारी स्नो, बहुत ज़्यादा स्नो है, देखो पैर कितने गाढ़े गाढ़े लग रहे हैं। अब यहाँ फोटो शूट कराती हूँ मैं। गाइस स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, अभी शीशे पे पड़ रही है स्नोफॉल, ये देखो ये बूंदे नहीं है, ये स्नोफॉल लग रही है। और देखो ये जो लग रहा है ना धुंध धुंध सी, ये धुंध नहीं है, स्नो के बादल है यार, बहुत मस्त हो रही है स्नोफॉल। और हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग रुक नहीं रहे, क्योंकि अगर हम अभी हम लोग रुक गए ना तो फिर रुक ही जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल बेकार हो रखा है, देखो कितनी ज़्यादा स्नो है, वही मिनट ये देखो कितनी ज़्यादा स्नो पड़ रखी है यहाँ पे। और अगर अभी हम लोग रुक गए ना तो यहाँ पे हम फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितनी स्नो पड़ेगी और फिर गाड़ी जाम हो जाती है ना, इंजन इंजन ठंडा पड़ जाएगा। देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं इस पर, सब स्नो के हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। सो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग, और अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिन्हें धनौल्टी आना है, और बताना गाइस बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, आप आराम से धनौल्टी आ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय। गाइस आपको क्या लगा व्लॉग खत्म हो गया? नहीं गाइस ये चेक करो यार, बर्फ पड़ गई यार हमारे जाने से पहले, कितना मस्त मौसम हो गया यार यहाँ पे, चेक करो यार कितना मस्त स्नोफॉल, मेरी लाइफ की फर्स्ट स्नोफॉल यार, बहुत मस्त मजा आया यार। लोग यहाँ पे खड़े हैं चक्कर में, जाम लग गया यहाँ पे, बट गाइस एक मिनट गंदा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है स्नोफॉल, बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ। देखो गाइस क्या मस्त लोग बस सब व्लॉग बना रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा मस्त मज़े आ गए यार, हमारा यहाँ पे आना सफल हो गया। ओह माय गॉड गाइस आई लव यू गाइस, ये चेक करो कितनी प्यारी स्नोफॉल हो रही है, एक मिनट देखा गाइस कितना मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रुए रुए उड़ उड़ के आ रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है यार मेरे लिए। आप लोग आना ज़रूर यार, उत्तराखंड में जो है यार बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ने लग गई अब,
दिस इज द टाइम गाइस, आप आ सकते हो, ये चेक करो कितना प्यारा व्यू, इतनी प्यारी स्नोफॉल। अभी 3 या 4 बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, 3:15 हो रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं, और गाइस 3:30 हो रहे, देखो कितना मस्त मौसम हो रहा है यार यहाँ पे, आई जस्ट लव दिस यार। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, और कितना अच्छा मौसम हो गया, हम तो जा ही रहे थे यार, पर मेरा सपना पूरा हो गया यार, मेरी स्नोफॉल फर्स्ट, आई एम सो 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 हैप्पी यार, मेरी लाइफ की फर्स्ट स्नोफॉल, और बहुत ज़्यादा अच्छी है यार, मस्त। अभी बस हम लोग निकलने की सोच रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है, तो हम लोग सोच रहे हैं यार जल्दी से हम निकल रहे हैं, क्योंकि अगर जाम रहा ना तो फंस सकते हैं हम यहाँ पे, और फिर फंसने का मतलब है स्टे, और स्टे ये नहीं पता कितने दिन होगा, हर वक्त यहाँ पे बर्फ़ पड़ती रहती है कंटिन्यूसली, और उस चक्कर में रास्ते बंद हो जाते हैं और फिसलन फिसलन हो जाती है। सो यार गाइस, अब कर दी मैं ब्लॉग खत्म, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।